मध्य प्रदेश में सोमवार को फिर मौसम बदल गया है। राजधानी के कुछ हिस्सों में सुबह बादल छाने के बाद बारिश हुई, हालांकि कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में गरज चमक के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान बताया है। सागर में आंधी से पेड़ गिरे हैं तो भोपाल में भी बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है, इसके कारण बादल बन रहे हैं। इसी वजह से भोपाल में सोमवार सुबह हल्की बारिश हुई, यहां 0.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही 23 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसमें भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं, यहाँ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सागर में हवा आंधी चलने से सिविल लाइन क्षेत्र में पेड़ उखड़ कर गिर गया। पेड़ गिरने से दुकानों के बाहर पार्किंग में खड़े दो पहिया वाहन चपेट में आ गए। मकरोनिया मार्ग पर लगा सूचना बोर्ड हवा आंधी से उखड़ कर गिर गया। इसके बाद 24 मार्च को बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 15 साल से चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी लेने का विवाद सुलझ गया है। इस परियोजना से नॉन मानसून सीजन में मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। लगभग 35,111 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 5-5% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वहन करेंगे। इस योजना से सागर, विदिशा समेत एमपी के 8 जिलों को पानी मिलेगा। विश्व जल दिवस पर सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्ताक्षर किए। एमओए पर हस्ताक्षर करने के साथ ही परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना के लक्ष्य पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई। इंदौर में सोमवार की सुबह चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित टिम्बर मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। आग से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 5 घंटे में आग पर काबू पाया। 18 टैंकर पानी लगा आग बुझाने में। फायर एसपी आरएस मेघवाल ने बताया कि सुबह 5 बजे ही सूचना मिली थी कि महावीर टिम्बर में भीषण आग लगी है। इसके बाद फायर की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। नगर निगम के 12 अन्य टैंकरों की मदद से सुबह 10 बजे आग पर काबू पाया गया। एसपी फायर ने बताया कि आग आसपास की लकड़ी की दुकानों में भी लग सकती थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने टीन शेड को तोड़कर पास में बनी हुई दुकान में पानी डाल दिया, जिससे आग नहीं बढ़ी। हौसले बुलंद हों तो हर मुश्किल आसान हो ही जाती है, इन्हीं प्रेरक शब्दों को सच कर दिखाया है रतलाम के अयंक दुबे ने, जिसने अपनी आंखों से दुनिया तो नहीं देखी लेकिन उसकी सफलता को आज पूरी दुनिया देख रही है। रतलाम के थावरिया बाजार में रहने वाले 25 साल के अयंक दुबे का हाल ही में बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। इसके बाद उनकी और उनके परिवार की सालों की तपस्या पूर्ण हो गई है। अयंक एमए पास है और वो 2 साल से बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार में ही आरआरबी के बैंक पीओ का एग्जाम पास कर लिया है। खास बात यह है कि अयंक के माता और पिता, यहाँ के दोनों ही बच्चे दृष्टि से ही नेत्रहीन हैं, लेकिन दुबे दंपत्ति ने हताश नहीं होते हुए अपने बच्चों को सही तालीम और अवसर दिलाए। इसी का नतीजा है कि आज अयंक का चयन बैंक पीओ के पद पर हुआ है। अयंक का अगला लक्ष्य एमबीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है। इसके लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे मेहनत करनी होगी। जबलपुर शहर से होकर नर्मदा के अलावा गौर जैसी नदियों और 52 ताल तलियों वाले शहर में जल संकट की बात बेमानी लगती होगी, लेकिन सच यही है कि हर गर्मियों में यहां पानी के लिए हाहाकार मचता है। शहर की एक तिहाई आबादी के लिए पानी का इंतजाम करना सबसे बड़ा काम है। नगर निगम की हर जनसुनवाई में एक तिहाई शिकायतें पानी से जुड़ी होती है। नगर निगम की जल सप्लाई क्षमता 311 MLD की है, जबकि 18 लाख की आबादी वाले शहर को जरूरत 243 MLD पानी की है। बावजूद हर कंठ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिले की वर्तमान आबादी 18 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति 24 घंटे में 135 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से इतनी आबादी के लिए 243 MLD पानी की सप्लाई पर्याप्त है, पर 311 MLD क्षमता के बावजूद शहर के हर तीसरे व्यक्ति को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है पानी की बर्बादी। रोज 15 MLD के लगभग पानी लीकेज और सीपेज में बह जाता है। 2020 में नगर निगम ने लीकेज रोकने के नाम पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर डाले, पर हालात जस के तस हैं।
पटकुई और बहेरिया से सटे जंगल में चल रहे जुआ के फड़ पर एसपी के विशेष दल ने दबिश दी। दल ने 43 जुआरियों को पकड़ा है। इनमें सागर समेत विदिशा, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिले के जुआरी शामिल है। मामले में बहेरिया थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधि संचालित होने और लगाम नहीं लगने पर एसपी अतुल सिंह ने बहेरिया थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान को लाइन अटैच कर दिया है। कार्रवाई से जिले के थाने में हड़कंप मचा हुआ है। थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल रविवार रात एसपी के विशेष दल ने पटकुई और बहेरिया के जंगल में दबिश दी। यहां बड़े स्तर पर लंबे समय से जुआ चल रहा था। कार्रवाई देख जुआरियों ने जंगल में दौड़ लगा दी। इस पर पुलिस ने जंगल में करीब 2 घंटे तक मशक्कत कर 43 जुआरियों को दबोच लिया। उनके पास से पुलिस से 1,25,000 रुपये नकद, 44 मोबाइल और 52 ताश पत्ते जब्त किए गए हैं। सोमवार सुबह बड़वानी के बहेड़िया गांव में तेंदुआ खेत में रखे पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग द्वारा रखे पिंजरे में 5वें दिन तेंदुआ पकड़ा जा सका है। 5 साल के मादा तेंदुए को वन विभाग द्वारा ओंकारेश्वर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। ये क्षेत्र महाराष्ट्र के तोड़माल जंगल से लगा होने के कारण 32 महीने में यहाँ 13वां तेंदुआ मिला है। पिछले सप्ताह यहाँ खेतों में 3 तेंदुए दिखाई दिए थे। क्षेत्र महाराष्ट्र के तोड़माल जंगल से सटा है, इसलिए अक्सर तेंदुए यहाँ भोजन और शिकार के लिए घूमते रहते हैं। ग्रामीणों में खौफ की वजह पिछले साल सितंबर में एक महिला और अगस्त में एक बच्ची तेंदुए का शिकार होकर जान गंवा चुकी है। जानकारी के मुताबिक बड़वानी के गाँव धावड़ी, तिल्ली खेत, चारली, पेठा की सीमा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लगी है। यहाँ रहने वाले तेंदुए बकरियों का शिकार करने और पानी के लिए गाँव की ओर जाते हैं। गन्ने के खेत होने से यहाँ ठंडक भी रहती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की चौथी पारी के साथ ये अटकलें भी चलती रही। शिवराज सिंह चौहान इस बार बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद है, लेकिन कोरोना के चलते सरकार बनाने की जल्दी में उन्हें ही कमान सौंप दी गई। उस वक्त से अब तक सीएम बदलने की चर्चाएं अक्सर होती हैं, जिसके लिए कई नामों की लंबी फहरस्त है। मसलन नरेंद्र सिंह तोमर, मालवा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय। अब विजयवर्गीय को देखकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐसा कुछ किया है जिसे देखकर लगता है कि शिवराज की मुश्किलें बहुत जल्द बढ़ने वाली हैं। अमित शाह ने ये काम उस कार्यक्रम में किया जिसमें वो पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी मैनिफेस्टो का ऐलान कर रहे थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह मंच पर बैठे, उनके एक तरफ मुकुल रॉय और दूसरी तरफ बैठे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। दोनों के बीच में बैठे अमित शाह अचानक किसी को ढूंढते नजर आए, फिर अपने पीछे खड़े शख्स से किसी को बुलाने के लिए भी कहा। यह नेता कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे, जिन्हें मंच पर बुलाने के लिए खुद शाह ने पहल की। उन्होंने विजयवर्गीय को मंच पर बुलाया और मुकुल रॉय को अपने बगल से उठा दिया और वहां कैलाश विजयवर्गीय को बिठाया। इस पूरे जश्न को देखकर तो यही लगा कि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय की मेहनत से शाह बेहद खुश हैं। अब अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बेहतर नतीजे लाती है तो जाहिर तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ही आलाकमान की नजरों में मजबूत होंगे, जिसका खामियाजा कहीं प्रदेश की शिवराज सरकार को न भुगतना पड़ जाए।